वेलकम बैक टू देसी स्पार्क। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2022 में आपको सीएनजी कार परचेज करना वर्थ रहेगा या फिर नहीं रहेगा, क्योंकि काफ़ी लोग के डाउट्स आते हैं एंड काफ़ी लोग के कमेंट्स भी आते हैं कि सर 2022 में सीएनजी कार परचेज करना वर्थ है या फिर नहीं है, या फिर हम पेट्रोल कार ही परचेज करें या फिर हम थोड़े पैसे और लगाकर डीजल कार की तरफ शिफ्ट हो जाएं। तो कौन सा ऑप्शन आज के टाइम के हिसाब से सही है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक आप जरूर देखना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 2022 में क्या सीएनजी कार लेना वर्थ है। देखो, अगर आप सिटी से बिलोंग करते हैं एंड आपको सिटी यूज के लिए कार चाहिए तो आप सीएनजी कार की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं सिटीज़ पर तो भाई सीएनजी का प्राइस काफ़ी महंगा है, लाइक 80, 90, even 100 तक चला गया है। पेट्रोल से भी महंगा सीएनजी है। सो जहाँ पर सीएनजी काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है फिर वहाँ पर तो आप सीएनजी कार ना ही लें, बट जहाँ पर सीएनजी एंड पेट्रोल के प्राइसेस में 15 से 20 रुपए का डिफरेंस है फिर आप वहाँ पर सीएनजी कार परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि सीएनजी कार पेट्रोल कार के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा माइलेज निकालती है। अगर पेट्रोल कार 15 km/L का माइलेज निकाल रहा है तो सीएनजी कार 25 km/kg का माइलेज निकालेगी, तो आपको ये 10 km ज़्यादा माइलेज मिल सकता है एंड माइलेज हमेशा आपकी ड्राइविंग पर डिपेंड करता है। सो जिस सिटी में सीएनजी एंड पेट्रोल के प्राइस में 15 से 20 रुपए का गैप है, मतलब सीएनजी का प्राइस पेट्रोल के प्राइस से 15-20 रुपए कम है, वहाँ पर आप सीएनजी कार को परचेज कर सकते हैं। एंड जहाँ पर पेट्रोल एंड सीएनजी का प्राइस दोनों सेम ही है फिर आप वहाँ पर पेट्रोल कार को ही परचेज करें। रीज़न ये है कि भाई पेट्रोल और सीएनजी कार के प्राइस में भी 1 लाख रुपए का अंतर है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर पेट्रोल एंड सीएनजी का प्राइस सेम है तो आप पेट्रोल कार ही ले लें, एंड वो जो 1 लाख रुपए आप सीएनजी कार को परचेज करने में लगाने वाले हैं उतने में अगर आप पेट्रोल डलवाएंगे तो आपका ये 2-3 साल के आसपास का खर्चा निकाल सकता है। एंड अगर आपका रनिंग कम है तो आप पेट्रोल कार की तरफ ही जाएं। बाकी अगर आपको कमर्शियल यूज के लिए कोई कार लेनी है तो फिर सीएनजी एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि कमर्शियल यूज में कार की रनिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, सो सीएनजी में काफ़ी ज़्यादा बचत मिल जाता है। वहीं दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि डीजल कार लेना वर्थ है या फिर नहीं है। अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं तो आप डीजल कार की तरफ ना ही जाए तो अच्छी बात रहेगा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में डीजल कार का रिस्ट्रिक्शन केवल 10 साल का ही है। तो इससे सही अगर आप पेट्रोल कार की तरफ चले जाएंगे तो आपको वहाँ पर 15 साल का लिमिट मिलने वाला है, तो 5 साल आप कार ज़्यादा रख सकते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कार रखनी है तो। बाकी अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए कार नहीं रखनी है तो आप डीजल कार वहाँ भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि आजकल जो SUVs हैं ये भी पेट्रोल में आना स्टार्ट हो गई है, बट SUV जो पेट्रोल में आती है उनमें माइलेज नहीं मिलता है, कि ये भी प्रॉब्लम है। तो SUV ज़्यादातर लोग डीजल में ही परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा उसका परफॉर्मेंस डीजल में ही निकल के आती है। बाकी अगर आप कोई कॉम्पैक्ट SUV, सेडान या फिर हैचबैक लेने के प्लानिंग में है तो भाई आप इस सेगमेंट में डीजल कार को ना परचेज करें, इसमें आप पेट्रोल कार ही लें, क्योंकि आजकल सेडान, हैचबैक एंड कॉम्पैक्ट SUVs पेट्रोल इंजन के साथ काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल रही है। इवन हमें कॉम्पैक्ट SUV में भी CNG आना स्टार्ट हो गया है। सो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आप इस सेगमेंट की कार को परचेज कर रहे हैं तो आप इसमें पेट्रोल की तरफ ही जाएं। एंड वहीं अगर आप रूरल एरिया से हैं तो वहां पर आपके लिए डीजल बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि वहां पर कोई ऐसा 15 साल वाला लिमिट नहीं होता है एंड दूसरी बार वहां पर CNG वगैरह अवेलेबल नहीं होती है एंड काफ़ी रफ एंड टफ रोड पर कार को चलना होता है, तो इसीलिए वहाँ पर डीजल एक बेस्ट ऑप्शन होती है एंड डीजल माइलेज भी इन कंपेयर टू पेट्रोल काफ़ी ज़्यादा निकाल देती है। सो रूरल एरिया के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है डीजल कार की तरफ आप जाएं। सो 2022 में सीएनजी कार लें या ना लें, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर देना और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।